हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉरस लगन में, मतलब टॉरस एसेंडेंट के फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा। दिस इज सैटर्न सिटिंग इन सेकेंड हाउस ऑफ टॉरस एसेंडेंट। टॉरस का जो ओनर है वो वीनस है। वीनस इज़ अ फ्रेंडली प्लैनेट टू सैटर्न, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे दिस इज़ अ डबल प्लस, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर बोथ द फॉर बोथ प्लैनेट्स अंटिल अनलेस वीनस इज सिटिंग इन अ वेरी बैड प्लेस। ठीक है, सो हमको ये देखना पड़ेगा कि वीनस कहाँ बैठा है, बट ओवरऑल सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ बैठे हुए, बिकॉज वीनस के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप रहता है और वीनस के काफ़ी सारे पॉजिटिव थिंग्स सैटर्न ले लेता है और उसको एक्सेल करने की कोशिश करता है। ये चीज़ बहुत ध्यान पे रखिएगा कि सैटर्न गिव्स एवरीथिंग एज पर द कर्मा। सेकेंड, इट गिव्स थिंग्स इन डिले सिचुएशन, वो थोड़ा सबर करके चीज़ें देता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सबर रखनी पड़ेगी, बट आपको बेनिफिट होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सैटर्न जो है वो नाइन्थ हाउस और टेंथ हाउस में उसके खुद का हाउस है। मतलब आपके नाइन्थ हाउस में 10 लिखा है और टेंथ हाउस में आपके 11 लिखा है। इसका मतलब है उसकी खुद की जो रूलिंग हाउसेज हैं वो 10 और 11 जो हैं उसके खुद की रूलिंग हाउसेज, वो आपके चार्ट में भाग्येश और कर्मेश के जगह पे बैठे हुए हैं। तो सैटर्न यहाँ पे बैठ के फर्स्ट हाउस में बैठ के आपका भाग्येश और कर्मेश भी बन जाता है, बना हुआ है, और वो होके वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। तो आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर मेडिटेशन और अगर आप सोशल सर्विसेज और अगर आप खुद को एक तरीके से, अगर आप अपने आप को सोसाइटी में अपने आप को एक डीप नॉलेज की तरफ ले जाना पसंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि त्रिकोण का मालिक होके वो पहले केंद्र में जाके फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गया है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपका वर्क भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज टेंथ हाउस का ओनर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो यू सर्टनली ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकते हैं। एज पर वीनस का थोड़ा सा देखना पड़ेगा वीनस किस सिचुएशन में कैसा है, बट आई एम सर्टन कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करेंगे तो आपको सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कॉर्डल रहेगा, और आप अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा भी। इसके बाद बात आती है जो कि सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि कहाँ देता है। सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि देता है तीसरे घर में, जहाँ पे चौथा नंबर लिखा है मून के साथ। तो आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होंगे नहीं। आपको अपने भाई बहन के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान पे रखना चलना पड़ेगा, और वो आपका थोड़ा सा आपके मन को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में वो स्ट्रगल नहीं देंगे, लेकिन आपके मन को प्रॉब्लम देंगे, जिससे आप हो सकता है कहीं कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें करने से रुक जाए या ना करें, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सो आप सब कुछ करें, अपना सोच समझ के करें और अपने भाई बहनों को साथ में लेके चलें, बट इट नॉट, आप ऐसे ना करें जी कि उन्हीं की बातों पे चलें, बिकॉज दिस वॉन्ट बी गुड फॉर यू। आपको सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा। थर्ड हाउस में मून, फोर्थ लॉर्ड जो होता है, फोर्थ हाउस का जो ओनर होता है मून है, और वो यहाँ बैठा है, तो मन को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है कोई भी, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, या आप अगर कोई स्ट्रगल करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, छोटे मोटे ट्रैवल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उसमें उसको थोड़ा सा आप ज़रूर उसके लिए कुछ उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। अब बात आती है सैटर्न की जो दूसरी दृष्टि है सेवन्थ हाउस में पड़ेगी। यहाँ पे सैटर्न सर्टनली आपका जो शादी का जो सिचुएशन है या बिजनेस का जो सिचुएशन है उसमें डिले कर सकता। बिजनेस में तो मैं 50-50 बोलूँगा, बट शादी को वो सर्टनली डिले करेगा। बट हाँ, वीनस के घर में बैठा है तो मना तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट हाँ डिले करेगा। बट अगर आप देखें तो वीनस यहाँ पे एट्थ नंबर लिखा है, तो वीनस के साथ भी मार्स का कुछ खास अच्छा रिलेशनशिप रहता नहीं है, तो आपको शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वैसे भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हमेशा शादी में प्रॉब्लम देता ही है। इट्स बेटर कि आप अपनी ज़िंदगी में एक फोकस जो है वो दूसरी चीज़ों में करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
जो सेकंड की तीसरी दृष्टि है वो है 10th हाउस पे। तो 10th हाउस में मैंने आपको पहले ही बोला आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, हेल्थ आपका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा, बिकॉज 10th हाउस में बैठा हुआ, 10th हाउस का ओनर होकर फर्स्ट हाउस में बैठा है सैटर्न, तो वर्क के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप अपने वर्क में अच्छा कमाई कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, आप अपनी मेहनत से अपने आप को किसी एक बड़े मकाम में पहुँचाने की एक कॉन्फिडेंस और हैसियत रखते हैं। सो गुड फॉर यू। सो ये मेरा प्रिडिक्शन था अगर सैटर्न सेकेंड फर्स्ट हाउस में बैठा है और फर्स्ट हाउस टॉरस एसेंडेंट का हो तो कैसा रिजल्ट देगा। सो